फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिज़ा वेस्ट लाइफ डायरीज़। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं और मेरे व्लॉग्स को इन्जॉय कर रहे हैं। तो आज ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ, KFC जिंगा बर्गर्स। तो इसके लिए आपको चाहिए जी बोनलेस चिकन, ब्रेस्ट पीस मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ और किचन हैमर से मैं चिकन को पाउंड कर रही हूँ। इससे ये होगा कि इसके जो रेशे हैं वो ब्रेक हो जाएंगे और जो भी हम मैरिनेशन रेडी करेंगे उसके सारे स्पाइसेस अच्छे से और जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। 1 से 1.5 घंटे के लिए हमने इसको मैरिनेट करके रखना है और उसके बाद आपने इसको कुक कर लेना है। अच्छा जी, चिकन को हम पाउंड कर रहे हैं, उसके बाद हम जो स्पाइसेस ऐड करेंगे वो मैं आपको साथ साथ बताती चलती हूँ। ज़्यादा देर के लिए आपने इसको मैरिनेट करके नहीं रखना, मैरिनेट करके आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, 1 से 1.5 घंटा या 1 घंटा भी इनफ होगा, क्योंकि ये बोनलेस चिकन है और पाउंड भी कर चुके हैं। तो फिर ज़्यादा देर आप अगर रखेंगे तो फिर ये बिल्कुल टूटने शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, लेमन हम हाफ लेमन ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें विनीगर जाएगा, वाइट विनीगर जाएगा, 1 टीस्पून चिली सॉस जाएगा, 1 टीस्पून सोया सॉस जाएगा। इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे, ऑलिव ऑयल और नॉर्मल कोई भी कुकिंग ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, तो मैं यहाँ पर दोनों डाल रही हूँ, आप चाहें तो एक भी डाल सकते हैं। पर हमने ये किया था कि जो फूड कलर है वो ऐड कर दिया था और हल्दी ऐड कर दी थी कलर देने के लिए। यहाँ पर मैं टिक्का मसाला और टिक्का बोटी दोनों यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच भर के आपने रेडीमेड मसाला जो है वो ऐड कर देना है। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। ज़ीरा फिर मैंने ऐड कर दिया था थोड़ा सा और आप इसको मैरिनेट करके रख देंगे, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं तो आप किचन में भी रख सकते हैं और चाहे तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। अच्छा जी, ये रेडीमेड मसाला है जी, चाय का मसाला है, इजीली अवेलेबल है। इसको आप 30 और 70 में डिवाइड करके रख देंगे। जो 30% है उसको आप वेट मैरिनेशन यानी कोटिंग बनाएंगे और जो 70% है वो ड्राई कोटिंग होगी। इन दोनों में मैंने सॉल्ट, ब्लैक पेपर और चिकन टिक्का मसाला जो है वो डाल दिया था ताकि इसमें भी फ्लेवर आ जाए। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और 1 एग ऐड करेंगे। ज़बरदस्ती कोटिंग हमारी रेडी हो गई है। और इसके बाद मैं भूल गई थी 1 स्टेप चिकन की मैरिनेशन का, अदरक लहसुन तो मैंने बिल्कुल ऐड नहीं किया था, आप चाहे तो पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ग्रेट करके जो फ्रेश अदरक लहसुन है ना वो मैं ऐड कर रही हूँ। 2 से 3 जब लहसुन के ले लिए और 1/2 इंच की अदरक ले ली है, इसको अच्छे तरीके से मुझे शुक्र है जल्दी ही याद आ गया, तो अब मैं इसको मैरिनेट करके साथ ही रख दूँगी। रूम टेम्परेचर या किचन के जो टेम्परेचर होता है उस पर आप रख दें, क्योंकि आजकल ठंड है तो फ्रिज में ना भी रखें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर गर्मियाँ हैं तो उसमें आपको ये है कि फ्रिज में रखना पड़ेगा 1 से 1.5 घंटे के लिए। बोनलेस चिकन है तो जल्दी से ये मैरिनेट हो जाएगी और ज़बरदस्त सी हमारी मैरिनेशन होगी जी रेडी। अब इसको हम रख देंगे साइड पे और अब हम इसमें एग ऐड करेंगे और ये भी हमारी डन हो जाएगी। इसके बाद मैं बनाऊंगी ज़बरदस्त सी सॉस जो हम बर्गर्स पे लगाएंगे। बर्गर्स की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ और वही मैं सॉस बनाऊँगी इस दफ़ा फिर से। इसके लिए मस्टर्ड सॉस आपको चाहिए 1 टीस्पून, और जिसको नहीं पसंद तो वो ना डाले, कोई मसला नहीं है, इसका हल्का सा फ्लेवर अच्छा लगता है। चिली सॉस यानी केचप और स्वीट चिलीज़ हैं ये, तनास के फ्लेवर्स में यूज़ कर रही हूँ, और मायनीज़, ये मैं अच्छे से मायनीज़ ज़्यादा डालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मायनीज़ जो है डबल क्वान्टिटी में डालना है और जो चिली सॉस है या दूसरा जो स्वीट सॉस है वो आपने 1/2 डालना है, और जो 1/4 डालना है आपने मस्टर्ड सॉस। तो यहाँ पर मैंने खीरे, टमाटर, प्याज और बंद गोभी काट के रख दी थी, फ्राइज़ भी मैंने काट के रख दी थी। अब सबसे पहले मैं फ़्राइज़ बना लूँगी और उसके बाद इस तरीके से आपने पहले ड्राई कोटिंग में करना है, फिर वेट में, फिर उसके बाद दोबारा ड्राई में, और फिर उसके बाद आपने जब ड्राई में आप करेंगे तो अच्छे तरीके से आपने इसको प्रेस करना है, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इस तरीके से करना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा कोटिंग है वो गिर जाए और वो क्रम्स से बन जाए ऊपर। तो इस तरीके से हम लोग सारी चिकन को करके रख देंगे। फ्राइज़ हमारे रेडी हैं, अब हम चिकन को फ्राई करेंगे और उसके बाद सारी चीज़ों को असम्बल करेंगे और ज़बरदस्त से हमारे KFC स्टाइल बर्गर्स रेडी हो रहे हैं। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। यहाँ पर मैं साथ साथ बर्गर्स को भी थोड़ा सा
फ्राई कर रही हूँ, वो जो हमने सॉस बनाई थी अब हम वो लगा देंगे, और साथ साथ चिकन जो है वो हो रही है। 5 से 6 मिनट के लिए आपने एक साइड पे करनी है, फिर दूसरी साइड पे पलट के, तो हमारी चिकन जो है जल्दी से रेडी हो जाएगी। यहाँ पर मैं सारी तैयारी करके रख रही हूँ। जी हमारे ज़बरदस्त से KFC स्टाइल जिंगर बर्गर घर में बनाना बहुत ही आसान है, थोड़ी सी एफर्ट करनी होगी और ज़बरदस्त से KFC स्टाइल जिंगर बर्गर्स रेडी हो जाएंगे। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।